विगत शाम रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में नवनिर्मित 18 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कोविड सेंटर सहित जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तरों के नए वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा को अग्रणी बनाने की बात करते हुए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने 167 बिस्तरों वाले अस्पताल को 200 बिस्तरों में बढ़ाने की बात की। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैयाराजा टीम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता सहित संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर अनिल मिश्रा उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। हरि ओम मंदिरम भगवान हरि ओम वक्रतुंड महाकाल भैया है। आप लोगों को अच्छा भी लगेगा अस्पताल से भी ठीक होता है। आज ये जिला अस्पताल में जो 50 बेड का निर्माण पिछले वर्षों में चल रहा था आज पूरा हो गया है। कोविड सेंटर के लिए जो मध्य प्रदेश शासन ने राशि सैंक्शन की थी 18 बेडेड, बहुत ही उच्च स्तरीय कोविड वार्ड का लोकार्पण किया गया है। आने वाले समय में यदि रीवा के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर चिकित्सा की उनकी सुविधाएं, ऑक्सीजन ये सारा उपलब्ध रहेगा। कुल मिला के जिला अस्पताल जो डिस्पेंसरी था 2006 में उसको जिला अस्पताल बनाया गया था, पहले 50 बेड फिर 100 बेड, और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है अब इसको आसानी से 200 बेडेड जिला अस्पताल बनाने में हम लोग कामयाब हो सकेंगे।